मोदी के साथ मंत्र से करीब आएंगे सात समुद्र पार के कैरेबियाई देश। प्रधानमंत्री ने कृषि से लेकर तकनीक पर की बात। कैरेबियन सागर में स्थित जमैका, सेंट मार्टिन, एंटीगुआ जैसे देश भारत के क्रिकेट प्रेमी वेस्टइंडीज खिलाड़ियों की वजह से ही जानते थे, लेकिन अब इन देशों का महत्व वैश्विक मंच पर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने कैरेबियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए सात सूत्री प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव उन्होंने बुधवार को गयाना में आयोजित दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में रखा। पांच वर्षों में विश्व में अनेक बदलाव आए। पांच वर्ष के अंतराल पर आयोजित इस बैठक के बारे में मोदी ने कहा कि इन पांच वर्षों में विश्व में अनेक बदलाव आए हैं। मानवता को अनेक तनावों और संकटों का सामना करना पड़ा है। इनका सबसे बड़ा और नकारात्मक प्रभाव हम जैसे ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है, इसलिए भारत ने सदैव कैरिकॉम के साथ मिलकर साझा चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने रखा सात सूत्री प्रस्ताव। पीएम मोदी ने जो सात सूत्री प्रस्ताव रखे हैं, उसमें पहला है क्षमता को मजबूत करना। इसके तहत भारत ने क्षेत्र के 1000 और छात्रों को छात्रवृत्ति देने का ऐलान किया है। साथ ही बेलीज में भारत द्वारा निर्मित प्रौद्योगिक विकास केंद्र का विकास भी किया जाएगा। दूसरा है भारत की मदद से कैरिबियाई देशों में कृषि के मौजूदा स्वरूप को बदलना। इसका मकसद इन देशों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। तीसरा, पर्यावरण की चुनौतियों का साझा तौर पर सामना करना। इसके लिए रिन्यूएबल क्षेत्र में सहयोग पर जोर होगा। स्टार्टअप में भारत करेगा मदद। चौथा, प्रौद्योगिक व कारोबार। इसके तहत भारत ने यूपीआई तकनीक को देने, स्टार्टअप में भारत के अनुभव को साझा करने जैसी मदद दी जाएगी। पांचवा, क्रिकेट व संस्कृति। यहां भारत ने कैरेबियन महिला टीम को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। छठा है समुद्री अर्थव्यवस्था व सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना। यहां कनेक्टिविटी के लिए भारत ने छोटे व मझोले यात्री व ढुलाई जहाज आपूर्ति करने का प्रस्ताव रखा है। सातवां, मेडिसिन व हेल्थ केयर। अधिकांश कैरेबियाई देशों की स्वास्थ्य व दवा व्यवस्था लचर है। भारत का सहयोग काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस शिखर सम्मेलन के अलावा भारतीय पीएम ने डोमिनिका, त्रिनिदाद व टोबैको, सूरीनाम, बारबाडोस, बेलीजे, एंटीगुआ व बारबूडा, ग्रेनेडा, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड्स और सेंट लूसिया के प्रमुखों के साथ अलग अलग बैठक की। भारत की कूटनीतिक सक्रियता का महत्व बड़ा सनद रही कि दूरी की वजह से भारत कूटनीतिक तौर पर इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को खास तवज्जो नहीं दे पाया था, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में यह विचार बदला है। चूंकि इस क्षेत्र में चीन तेजी से न सिर्फ निवेश बढ़ा रहा है बल्कि सैन्य केंद्र भी स्थापित करने में जुटा है, ऐसे में भारत की कूटनीतिक सक्रियता का महत्व बढ़ गया है। इनमें से कई देशों के पास ऊर्जा का भंडार भी है जिसकी जरूरत भारत को महसूस हो रही है। कहाँ है कैरेबियाई समुद्री क्षेत्र? दक्षिण अमेरिका पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है कैरेबियन समुद्र। यहाँ पर 43 छोटे छोटे द्वीप देश स्थित हैं। इनमें से कई सारे देशों में 200 वर्ष पहले काफी ज्यादा संख्या में भारतीयों को बसाया गया था। अब इन देशों भारतीयों की संख्या कुल जनसंख्या में खासी हो चुकी है। गयाना, सूरीनाम जैसे देशों में भारतीय मूल के कई राष्ट्राध्यक्ष बन चुके हैं।